रहमान रहीम अस्सलाम कुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो अब हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर थ्री क्लास नाइन का मैथ्स का और लेक्चर नंबर थर्टी फोर है अच्छा ये जो चैप्टर है ना इसमें लॉ के बारे में पढ़ेंगे लॉ का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टफ़ है लेकिन ये बहुत ही आसान है अगर आप इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में अपने मार्क्स फुल ले सकते हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लें चीज़ का अगर मैं आपको लेक्चर कोई दे रही हूँ तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखें ताकि आपको लेक्चर उसकी हर एक कॉन्सेप्ट जो है हर एक टर्म जो है वो क्लियर हो जाए सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन देख लेते हैं कि क्या है क्योंकि so, लिखा हो जिसको मैंने बॉक्स बनाया है ए मल्टीप्ला टेन के पावर एन में वे कंडीशन गिवन है ए के लिए कि ए जो है वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए वन के और लेस होना चाहिए टेन से ठीक है एंड एन इज एन इंटीजर और एन कोई भी इंटीजर है तो वो जो है नंबर कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन में तो वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कहलाएगा कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अम, अच्छा एग्जाम्पल किस तरह के कि लूँगी जिसमें मेरे पास नंबर लिखा हो इस फॉर्म में ठीक है ना क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए कंडीशन बता दिया कि उसकी कंडीशन ये है कि नंबर को इस फॉर्म में होना चाहिए ए मल्टीप्लाई टेन की पावर एन की फॉर्म में ठीक है जी इस फॉर्म में नंबर होगा तो वो साइंटिफिक नोटेशन जो है कहलाएगा सो ए कोई नंबर हो लेट्स सपोज ए ले लिया फाइव पॉइंट टू थ्री मल्टीपे टेन की पावर एन अब एन जो है कोई भी इंटीजर है सो एन ले लेते हैं टू ले लेते हैं या फोर ले लेते हैं टू ले लेते हैं तब भी ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गए ये साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल होगी ठीक है जी कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी ठीक है ये साइंटिफिक नोटेशन के एग्जाम्पल्स हैं एक एग्ज़ाम्पल तो ये होगी सेकेंड को एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट्स सपोज लेट्सपोज कोई नंबर है 4.28 मल्टीप्लाई 10 से लाजमी होनी चाहिए और पावर भी लाजमी होनी चाहिए तो पावर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि n इज एन इंटीजर तो इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी सो माइनस फोर तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन की एग्जाम्पल हो गई एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्टी टू ठीक है जी थर्टी टू मल्टीपा टेन की पावर फाइव तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन की एग्जाम्पल आ गई थ्री पॉइंट ठीक है जी ये भी साइंटिफिक नोटेशन की एग्जाम्पल आ गई है लेट्स सपोज एक और कोई और नंबर ले, ले लेते हैं जैसे कि कोई नंबर अगर आ जाता है पॉइंट्स uh, में हो पॉइंट के साथ हो या जिससे भी हो फोर uh, पॉइंट वन मल्टीपैटन की पावर एट सो so, मैं ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको साइंटिफिक नोटेशन की जो पैटर्न है वो समझ में आ जाए अगर आपको डेफिनेशन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आती है कि डिफ़ाइन साइंटिफिक नोटेशन तो लाजी तौर पर आपको उसके साथ है, कोई एग्जाम्पल्स लिखनी चाहिए ठीक है क्योंकि जब भी कोई डेफिनेशन आती है तो उसके साथ एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अच्छा इंप्रेशन देती है ये चीज़ तो आपके माइंड में इमेज हो पैटर्न हो किस तरह से आपने जो है वो इसकी एग्जाम्पल को लिखना है so, सो ये तो लिख लिया हमने और पढ़ लिया साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अब बाकी का इसका से हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे थ्री पॉइंट वन तो उसमें

ए क्या है ए बेस है और इसको जब लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे फिर ठीक है वे को ये कंडीशन हैं कि ए को लाजमी ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए ए को नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए ये दो कंडीशन आपने माइंड में रखनी है लाजमी कि जो नंबर है ए जो बेस है बेस को वन के इक्वल नहीं होना चाहिए एक तो ग्रेटर देन जीरो लाजमी तौर पे होना चाहिए बेस को और वाई ग्रेटर देन जीरो क्या बात है दोबारा से बोल देती हूँ कि अगर ए की पावर एक्स इक्वल्स टू वाई कोई इन गिवन है इस फॉर्म में और कह रहे हैं कि देन हम लोग कहते हैं कि एक्स जो है वो लॉग है वाई का ठीक है एक्स इज लॉग एकदम ऑफ वाई टू द बेस ए इसको बोलने में इस तरह बोलेंगे और लिखने में फिर इस तरह से लिखेंगे कि लॉग रिता रम लॉग ए ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स इसमें क्या है इसमें जो ए है ए इज बेस ए बेस है ए बेस कहलाती है ठीक है एक्स लॉग कहलाता है और वाई के इक्वल होती है इक्वेशन, ठीक है इस तरह से जैसे वो लिखी हुई है ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई ठीक है ना तो बेस लिखा है ए को और एक्स उसकी पावर बन गई ठीक है जी और ये वाई के इक्वल है सो so, इफ़ ए की पावर एक्स इक्ल्स टू वाई देन x इज कॉल्ड ऑफ़ y टू द बेस a a जो है वो बेस है और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं जो मैंने लिखी है कंडीशंस गिवन है कि a को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए a नॉट इक्वल्स टू वन है और y ग्रेटर देन जीरो है ये लॉ की डेफिनेशन देख ली तो स्टूडेंट्स सब ऐसे करते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो अब ऐसे करते हैं कि हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 को और जो लॉग की हमारे पास डेफिनेशन है इसको मजीद क्लियर करेंगे मजीद इसको पढ़ेंगे जब स्टार्ट करेंगे लॉग के क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 3.2 से सो so अभी ऐसे करते हैं कि स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर वन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन सारे पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं कुछ पार्ट्स लगे थोड़े बाद में सॉल्व करवा दूंगी uh, लिखे हैं इनमें क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है हर एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में अभी सिंपली नंबर्स लिखे हुए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में ला कर लिखना है मतलब ए मल्टीपेटेन की पावर एन की नोटेशन में नंबर्स को लिखना है इस साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है डेफिनेशन पढ़ चुके हैं जो फॉर्म होती है ए मल्टीपेटेन की पावर एन उस फॉर्म में लिखना है ठीक है सो so, क्या कर लेते हैं फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फर्स्ट नंबर है फर्स्ट पार्ट uh, जो है so इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट राइट साइड से जो फर्स्ट डेसिमल uh, जो फर्स्ट नंबर होता है उसके बाद डेसिमल पॉइंट डाल के बाकी uh, जो नॉन जीरो टर्म्स होती हैं वो लिख लेते हैं तो नॉन जीरो ए के थी सेवन थी वो लिख ली अब कितने जीरोस हैं वो लिख लेते हैं दो जीरोस हैं मल्टीप्लाई लिखा टेन की पावर अब टेन की पावर क्या लिखूंगी जीरो टू है लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स बच गए डेसिमल पॉइंट के बाद दो तो जीरो अगर एक सेवन हो गया तो टेन की पावर आ गई थ्री सो so, इसका आंसर नोटेशन में ये आ गया है ठीक है इन शॉर्ट तो इस तरह से करके ना आंसर लिख लें लेकिन अगर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा स्टेप्स करके इसका आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड नंबर गिवन है एंड कहा गया है कि इसका साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने लिखना है सो क्या करेंगे सबसे पहले तो फिफ्टी सेवन लिखा मल्टीप्लाई कितने जीरो टेन की उतनी पावर लिख ली टू लेकिन अब जब डेसिमल पॉइंट बीच में नहीं गिवन तो आपने ये ज्यूम कर लेना है हम लोग ये वैसे भी ज्यूम कर लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट नंबर के लास्ट में गिवन है सो लास्ट से उसको शिफ्ट कर लेंगे जो फर्स्ट डिजिट uh, uh, होता है ना राइट साइड से उसके uh, उसके आ, आगे लिख लेते हैं डेसिमल पॉइंट को और बाद में नॉन जीरो जो टर्म्स होती हैं वो लिख लेते हैं एक ही नॉन जीरो थी जो कि सेवन है वो लिख ली और मल्टीप्लाई टेन की पावर टू अच्छा इससे क्या हुआ इससे टेन की पावर एक और हमारे पास ऐड हो गई वन सो so, इन दोनों को जब ऐड करेंगे क्योंकि है पावर्स ऐड हो जाएंगे तो फाइव पॉइंट सेवन मल्टीप्लाय टेन की पावर थ्री आ गई ठीक है तो इन डिटेल या इन स्टेप्स क्वेश्चन को किया जाए तो इस तरह से भी किया जा सकता है लेकिन जब आपके पास आंसर फौरन से आ रहा है सो so, इस तरह से आंसर निकाल लेंगे सेकेंड पार्ट देख लेते हैं जिसमें दिया हुआ है फोर्टी नाइन और हमारे पास अच्छा अब आंसर किस तरह से क्वेश्चन uh, किस तरह से दिया गया उसको कहा गया कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो क्या करेंगे मैं आपको बताया जैसे फर्स्ट पार्ट करवाया तो बोला है कि फर्स्ट मोस्ट जो नंबर होता है जैसे कि यहाँ पे है फोर तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट लिख लेते हैं और उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो लिख लिए यहाँ पर नाइन एट है नाइन एट लिख लिए बाकी तो ज़ीरोज़ बच के सो so टेन की पावर कितने ज़ीरोज़ हैं फाइव सो फाइव लिखा लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर और आए हैं डिसिमल पॉइंट के बाद डिसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हो रहे हैं सो टेन की पावर टू सो बेस सेम पावर्स ऐड सो बन जाएगा फोर पॉइंट नाइन एट टेन की पावर सेवन और ये आगे फाइनल आंसर फोर पॉइंट नाइन एट पावर सेवन सेवन साइंटिफिक नोटेशन में आंसर को लिख लिया ठीक है सो ये स्टेप करना इतना ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे क्योंकि जब आप फर्स्ट डिजिट लिखोगे तो उसके बाद जितने भी नंबर्स बचेंगे जीरो प्लस नॉन जीरो नंबर्स उनको टेन की पावर पर लिख लेंगे तो टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है One, two, three, four, five, six, तो डेसिमल पॉइंट के बाद सेवन नंबर्स थे तो आपने उसको टेन की पावर सेवन लिख लिया तो ये आ गया आंसर पार्ट टू का फिर पार्ट थ्री है सो पार्ट थ्री का आंसर क्या होगा कितने जीरोज़ हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सिक्स यहाँ पे भी एक नंबर लिखा हुआ है तो नाइन पॉइंट सिक्स मल्टीपे टेन की पावर क्या बना सिक्स जीरोज़ हैं और एक सिक्स इट सेन की पावर सेवन और ये साइंटिफिक नोटेशन में थर्ड पार्ट का आंसर भी लिख लिया तो ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर मोस्टली uh, ऐसा होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में आते हैं तो आपको इनका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है uh, ये मत समझे कि बहुत शॉर्ट आंसर है या आपको uh, आपको पसंद नहीं आया या आपको मुश्किल लग रहा है तो आप उसको स्किप कर दें जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं उनको लाजमी तौर पर किया करें क्योंकि अगर वो एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं आए तो एम सी क्यूज में आ जाएंगी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी मोस्टली ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है तो आपने इनको स्किप नहीं करना सॉल्व करना है सबको अगर फोर्थ क्वेश्चन है फोर वन सिक्स पॉइंट नाइन इसको साइंटिफिक रोटेशन में लिखना है इसमें ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट गिवन है लेकिन किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर लिखते हैं फोर के बाद डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लिया तो क्या आ जाएगा फोर के बाद कितने नॉन जीरो डेसिमल पॉइंट्स वन सिक्स नाइन सो टेन की पावर क्या हो जाएगी फोर पॉइंट वन सिक्स नाइन सो फोर की पावर अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं थ्री हैं बट नॉन ज़ीरो कितने हैं हमारे पास लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ पे जो है फोर पॉइंट वन सिक्स नाइन है फोर वन सिक्स पॉइंट नाइन है सो so, अगर इस तरह से ना करें और इस तरह से कर लें कि फोर वन सिक्स पॉइंट नाइन मतलब डेसिमल पॉइंट है डेसिमल पॉइंट के नीचे वन और अगर जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोज लिखते हैं ऐसा ही करते हैं ना सो so, इस स्टेप को मैं इस तरह से कर सकते हैं कि अब फोर वन सिक्स पॉइंट नाइन मल्टीपेटन की पावर माइनस वन हो सकता है ना इस तरह से सो so, अगर इस तरह से कर लिया इसको और पॉइंट अब डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने लगे हैं इस साइड पे सो so, ये इस तरह से आ गया और अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं थ्री सो यहां थ्री लिख लिया सो so, आंसर क्या बनेगा फोर पॉइंट वन सिक्स नाइन टेन की पावर टू क्योंकि बेस में पावर होगी तो थ्री माइनस वन हो गया टू okay, बन गया सो so, ये आ गया आंसर समझ में किस तरह हुआ है मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ फोर वन सिक्स नाइन जो था क्वेश्चन गिवन था डेसिमल पॉइंट जो वन लिखा और जितने डिजिट से उतने जीरो लिख लिए तो टेन आ गया अब इस टेन को ऊपर ले आई जब मैं तो टेन की पावर माइनस वन बन गई उसके बाद डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया राइट साइड पे मोस्ट फर्स्ट डिजिट के आगे यहाँ पे और फिर उसके बाद देखा कितने डेसिमल कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद तो थ्री टेन की पावर को थ्री दोबारा से लिखा ये ऑलरेडी लिखी हुई थी अभी इन दोनों को सॉल्व किया क्योंकि बेस सेम थी पावर ज़ायर होगी तो रहेंगे पावर टू बन की एड ये जो है फाइनल आंसर पार्ट फोर का आ गया है तो ये तो हो गया पार्ट फोर अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट को जो कि है एटी थ्री थाउजेंड सो इसको भी इसी तरह से करेंगे कि एट पॉइंट थ्री मल्टीप्लेट टेन की पावर अब जीरोस कितने हैं थ्री जीरोस हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं वन नंबर एट पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर फोर साइंटिफिक नोटेशन में फिफ्थ पार्ट का आंसर भी आ गया एट पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर फोर ठीक है अब है सिक्स पार्ट जीरो पॉइंट डबल जीरो सिक्स फोर थ्री इसको सॉल्व करना है अब क्या है कि अब डेसिमल पॉइंट जो है वो स्टार्ट में आ गया और जीरोज़ इसके बाद और बाद में जाके नॉन जीरो टर्म्स आ रही हैं तो जब इस तरह का केस हो जाए इस टाइप का नंबर आ जाए कि स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट हो जीरोज़ हों तो जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखी जाती है तो वो नेगेटिव में आती है ठीक है तो इसका जब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को फाइंड आउट करेंगे तो क्या एट द एंड आंसर आएगा कितने जीरोज़ हैं देख लेते हैं सो so, देख लेते हैं कि जब भी लिखेंगे ज़ीरो डेसिमल पॉइंट ज़ीरो जीरो सिक्स फोर थ्री अब डेसिमल पॉइंट के नीचे वन लिख जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरोज आ जाएंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जीरोज आगे वन टू थ्री फोर फाइव सो ये कैसे इसको इस तरह लिख सकते हैं सिक्स फोर्टी थ्री अब जो स्टार्टिंग के जीरोज़ इनको लिखना लिखने का कोई मकसद नहीं है उनको लिखना लिखे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता सो so टेन की पावर अब कितने जीरोज हैं फाइव तो टेन की पावर लिख दी फाइव सही हो गया अब क्या टेन की पावर फाइव को अगर ऊपर लेके जाऊं तो सिक्स फोर थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस फाइव हो जाएगा अब डेसिमल पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल यहां पे था तो उसको शिफ्ट कर लिया यहां पे तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स बचे टू डिजिट्स बचे सो so, टेन की पावर टू और यहां पे टेन की पावर ऑलरेडी माइनस फाइव गिवन है सो so, बेस सेम है पावर्स को सॉल्व कर लेंगे तो टेन की पावर माइनस थ्री आ गया सो so टेन की पावर माइनस थ्री तो सिक्स पॉइंट फोर थ्री मल्टीप्ला टेन की पावर माइनस थ्री इज द आंसर ऑफ पार्ट सिक्स पार्ट सिक्स का आंसर सिक्स पॉइंट फोर थ्री मल्टीप्ला टेन की पावर माइनस थ्री आ गया है सेवंथ पार्ट को देख लेते हैं वो भी एक्जैक्टली exactly वैसे ही होगा जैसे पार्ट सिक्स को सॉल्व किया है लिख लेते हैं जीरो पॉइंट डबल जीरो सेवन फोर डिवाइड बाय पॉइंट के नीचे वन आगे जितने नंबर ऑफ डिजिट उतने जीरोस तो वन टू थ्री फोर तो इसको सेवनटी फोर डिवाइड बाई टेन की पावर फोर करके लिख लिया क्योंकि फोर हैं आगे सही सो अब इसको ऐसे कर देते हैं कि सेवनटी फोर मल्टीप्लाय टेन की पावर माइनस फोर आ गया अब सेवन पॉइंट फोर जब लिखा डेसिमल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल लास्ट में था जो बात करते आ रहे हैं तो उसको शिफ्ट किया इधर मिड में तो मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ डिजिट आगे सेवन पॉइंट के बाद वन सो टेन की पावर वन मतलब मल्टीप्लेट टेन की पावर माइनस फोर सो एट आंसर क्या बनेगा बेस सेम पावर तो सेवन पॉइंट फोर मल्टीप्लेट टेन की पावर माइनस थ्री आंसर आ जाएगा सो so आंसर लिख लेते हैं यहां पे सेवन पॉइंट फोर मल्टीप्लेट टेन की पावर माइनस थ्री इज आंसर ऑफ पार्ट सेवन अब है पार्ट एट पार्ट एट को सॉल्व कर लेते हैं uh, इस तरह से होगा uh, लिख लेते हैं सिक्स मल्टीप्लाई तो सिंपली हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर अब कितने नंबर्स हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन जीरो सोर टेन की पावर सेवन सो ये आ गया आंसर पार्ट एट का पार्ट नाइन अब अगेन ये उसी तरह से है जैसे ये वाले क्वेश्चन किए हैं लिखेंगे ज़ीरो पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थ्री नाइन फाइव डिवाइड बाय वन और कितने अब आगे आ जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टेन so, की पावर इलेवन डायरेक्ट लिख लेते हैं इत जीरोज लिखने के बजाय सो so, अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करें यहां पे अगर इसको सॉल्व कर लें सो so, 395 लिख लेते हैं डायरेक्टली अब स्टार्टिंग के जीरोज लिखने का क्या फायदा डिवाइड बाई टेन की पावर इलेवन सो इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट नाइन फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर कितने पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद टू हैं नंबर्स हैं टू सो यहाँ टू लिख लिया मल्टीप्लाई और ये जो नीचे वाला नंबर था इलेवन टेन की पावर इलेवन इसको ऊपर लिया तो माइनस इलेवन हो गया सही सो so ये हो सकता है ना से थ्री पॉइंट नाइन फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर इलेवन बेस सेम पावर एड तो इलेवन में से टू माइनस कर दिया तो आ जाएगा नाइन और माइनस नाइन तो ये आ गया साइंटिफिक रोटेशन में आंसर और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें ये स्टेप्स ना करें डायरेक्टली करना चाहें तो जब आप लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट हो और उसके स्टा आगे भी और पीछे भी जो है वो जीरोस हों और राइट लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखे हों तो तब जब पावर आती है वो नेगेटिव पावर आती है टेन के ऊपर तो ये आ गया आंसर पार्ट नाइन का थ्री पॉइंट नाइन फाइव मल्टीपैटर्न की पावर नाइन माइनस नाइन अब लास्ट क्वेश्चन नंबर टेन है क्वेश्चन नंबर टेन का सोल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन का सोल्यूशन यहां पे कर लेते हैं टू सेवन फाइव ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो डबल जीरो टू फाइव सो ऐसे करते हैं न्यूमिरेटेड डिनोमिनेटर को अलग अलग से कर लेते हैं सो so, सबसे पहले अगर टू सेवन फाइव इसको किया तो टू पॉइंट सेवन फाइव इस तरह से लिखा तो मल्टीप्लाट टेन की पावर कितने जीरोज़ थ्री और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स टू सो टू पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाट टेन की पावर फाइव सो साइंटिफिक नोटेशन इसकी तो बन गई ये इसके आगे लिख लेते हैं टू पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाटेन की पावर फाइव डिवाइड बाई अब इसकी लिखनी है जीरो पॉइंट डबल जीरो टू फाइव की सो so, जीरो पॉइंट डबल जीरो डिवाइडेड बाई वन डेसीमल पॉइंट नहीं चाहिए जितने डिजिट उतने जीरोस सो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टेन की पावर ऑफ़ फोर सो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लेट की पावर फोर पर चलेगी माइनस होगी और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लिखा तो टेन की पावर वन सो टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लेट एन की पावर माइनस लिए बन गया क्योंकि बेस सेम है पावर को ऐड किया माइनस फोर प्लस वन किया तो माइनस थ्री सो इसका आ गया टू पॉइंट फाइव मल्टीपेटेन की पावर माइनस थ्री सो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर टेन का वो यहां पे लिख लिया है इस तरह से सॉल्व करके सो so, ये पार टेन का आंसर आ गया और ये इसकी सारी वर्किंग की है ये इधर ऊपर सारी तो क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट वन का कंप्लीट हो गया है अब क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं कि उसमें क्या है अब है क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स अब ऑर्डिनरी नंबर्स गिवन हैं और अच्छा मैंने साइंटिफिक नोटेशन लिख दिया लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में इनको एक्सप्रेस नहीं करना ऑर्डिनरी नंबर्स में इनको एक्सप्रेस करना है नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है ये नंबर्स ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है मतलब सिंपल नंबर्स में लेके आना है मतलब जो काम किया ना क्वेश्चन नंबर वन में उसका उलट है ये क्वेश्चन नंबर वन में क्या था क्वेश्चन नंबर वन में ऑर्डिनरी नोटेशन गिवन थी और उसको साइंटिफिक में लेके आना था जबकि यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है बहुत आसान है फर्स्ट पार्ट है सिक्स मल्टीपल की पावर माइनस सो इसका क्या करना है डिवाइड बाय टेन की पावर फोर मतलब ये हो जाएगा सिक्स डिवाइड बाय टेन की पावर फोर मतलब फोर जीरो तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स uh, जब नेगेटिव पावर होती है तो उसमें ये होता है कि राइट right से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की साइड पे आते हैं सो राइट मोस्ट साइड पे सिक्स को लिखा और सिक्स uh, को लिख के अब इतने जीरोज लिखने हैं इसको सिक्स नंबर के बाद इतने जीरोज़ लिखने हैं डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड करते हुए जितनी पावर इन हमारे पास गिवन है जो कि फोर गिवन है और माइनस है तो इसलिए राइट right साइड से लिखना शुरू करेंगे और राइट टू लेफ्ट चलने हैं ठीक है राइट टू लेफ्ट इसको करना शुरू करेंगे सिक्स ज़ीरो जीरो ज़ीरो अब एक डेसिमल पॉइंट भी रखना है क्योंकि डेसिमल पॉइंट में इनका आंसर आता है और ये ज़ीरो भी लिखना होता है क्योंकि प्लेस होल्डर होता है और अब कितने हो गए इन सबको डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर फोर हो गए सो so ये जो है ऑर्डनरी नोटेशन में आंसर पार्ट वन का आ गया साइंटिफिक नोटेशन में गिवन था ऑर्डनरी में आ गया आप डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं इन स्टेप्स को किए बगैर भी लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट को जो है सॉल्व किए सेकेंड पार्ट क्या है फाइव पॉइंट जीरो सिक्स मल्टीप्ला टेन की पावर टेन अब इसकी तो पॉजिटिव पावर है इसमें आपको कोई इशू नहीं है आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं नंबर को इंक्लूड रखना है आपने बस तो अब देखना है आपने कि डेसिमल पॉइंट जो पार्ट टू है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है पॉइंट ज़ीरो सिक्स इसको भी इंक्लूड करना है अब इसके इंक्लूड करके आगे आपने टेन की पावर टेन uh, है तो उतने जीरोस लिखने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट जीरो और जीरो और सिक्स एट ये जीरो एट हैं और साथ ये ज़ीरो और सिक्स टू हैं तो टोटल मिला के टेन बन गए तो ये आ गया आंसर पार्ट टू का ठीक है इस तरह से पार्ट टू सॉल्व हो गया देन अगेन थर्ड पार्ट में नेगेटिव पावर गिवन है और माइनस सिक्स पावर है टेन की गेन वही टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ करनी है कि नाइन पॉइंट जीरो वन एट मल्टीपर टेन की पावर माइनस सिक्स और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के नीचे वन आगे जितने जीरोस हैं उतने जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस सो ये बन जाएगा नाइन पॉइंट जीरो वन एट टेन की पावर थ्री मल्टीपल टेन की पावर माइनस सिक्स सो 9.018 पॉइंट जीरो की पावर माइनस सिक्स मल्टीपेटन की पावर माइनस थ्री सो 9.018 पॉइंट जीरो वन एट मल्टीपेटन की पावर माइनस नाइन सो अब क्या करना है इस, इसे किस तरह से सॉल्व करना होगा सो so, इसको इस तरह से लिख सकते हैं सो so, इसको इस तरह से लिख लेते हैं नाइन पॉइंट ज़ीरो वन एट डिवाइड बाई की पावर 9 ऐसे भी लिखा जा सकता है अब पावर नेगेटिव थी तो क्या मैंने बोला था जब पावर नेगेटिव होगी तो राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे सो नाइन ज़ीरो वन एट पॉइंट डेसिमल पॉइंट ना लिखें लिखना ज़रूरी नहीं है ठीक है तो ये आ जाएगा नाइन ज़ीरो वन एट अब एट जो डिजिट है इससे लेके स्टार्ट करेंगे और जीरो लिखना शुरू करेंगे ये कितने डिजिट्स हो गए फोर डिजिट तो ये हो गया अब आएगी फोर और इसके बाद किसी ने जीरो जोड़ लिख हैं क्योंकि पावर नाइन है फाइव सो फाइव जीरोज़ लिख लेते हैं और जो नॉन जीरो टर्म्स हैं वो तो एट हो गई सॉरी फोर हो गई हैं यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं जब नेगेटिव पावर हो और राइट टू लेफ्ट जो है लिखते हैं फोर नॉन ज़ीरो डिजिट्स ऑलरेडी हैं लेकिन नाइन पावर है तो ज़ीरोज़ लिखने पड़ेंगे तो फिर फोर हैं तो फाइव जीरोज लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और फिर डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बाद प्लेस होल्डिंग करिए Uh, एक ज़ीरो लिखना होता है सो so, ये जो है आंसर आ गया है टोटल uh, आप देख लें कितने बनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो ये जो है पार्ट थ्री का आंसर आ गया है। इसी तरह से ये किया हमने जैसे पार्ट वन को सॉल्व किया था अब पार्ट फोर जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं पार्ट फोर क्या गिवन है पार्ट फोर है सेवन पॉइंट एट सिक्स फाइव मल्टीप्ला टेन की पावर एट तो ये सिंपल है ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा Uh, 7.865 को 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाना है 7.865 अच्छा सेवन के बाद थ्री डिजिट्स तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं आगे कितने जीरो लिखने पड़ेंगे कि टोटल सेवन के बाद टोटल आंसर जो है वो टेन की पावर एट पर सेटिसफाई करे फाइव uh, जीरोस को और लिखना पड़ेगा सो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये फाइनल आंसर आ गया है पार्ट फोर का तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू भी एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट वन का कंप्लीट हो गया उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट वन फुल कम्प्लीट होगी ऐसा क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा अगर आप चैनल पे लिये हैं तो चैनल को लाजम तौर पे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स क्लास फैलोज सबके साथ शेयर करें अब मैं आऊँगे लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर थर्टी थ्री के साथ जिसमें एक्सरसाइज नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे तब तक लिए हाफि